और ये तक बोल रहे थे कि गुज्जर नगर वालों बाहर रहो, कश्मीरियों बाहर रहो। ये तो ये कैसे फंसाया जा रहा है, लाइव वीडियो चल रही है और इनकी इतनी हिम्मत, इनकी इतनी हिम्मत इंस्टाग्राम पर इन्होंने भी वीडियो चलाई। हमने क्यों फंसाना था उनको, टोके तलवारें लेके शरेआम वो चल रहे हैं, वीडियो बनी है, पूरा लाइव चलाया उन्होंने इंस्टाग्राम पे, तो उसमें हम कैसे फंसा सकते हैं। इस समय हम जम्मू के गुज्जर नगर में मौजूद है, ये वही जगह है जहाँ से शरारती तत्व जो है वो लाइव आए थे, इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, और यही वो जगह है जहां पर देर रात लगभग 11 से 11:30 बजे के करीब जो है वो वेपन लेकर यानी कि हथियार हाथों में लेकर और यहां से जो लोग गुजर रहे थे उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं डराया जा रहा था। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हाथों में हथियार था, जो कि वीडियो में भी देखने को मिल रहा है, और जो लोग यहां से गुजर रहे थे उन लोगों को जो है वो डराने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो की जा रही थी, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है। और यही वो जगह है, आप देख सकते हैं यही वो स्थानीय है जहाँ पर वो शरारती तत्व जो है वो लाइव आए थे, और लाइव होने के बाद किस प्रकार से जो है उन्होंने यानी कि आम जनता जो यहाँ से गुजर रही थी आम जनता को परेशान किया, जो वाहन थे स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, और उन यानी कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उन्हें भी परेशान किया जा रहा था, और हाथों में वीडियो में आपने देखा कि हाथों में जो है वो हथियार भी थे। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, सर क्या हुआ था दो दिन पहले, क्या हुआ था पूरी डिटेल में बताएं। 13 तारीख को एक वाकया हुआ था कि कुछ शरारती तबके के लोग गुज्जर नगर में आते हैं और वायलेंस क्रिएट करते हैं, बिल्कुल नंगी तलवारें वेपन उनके साथ थे और अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 बंदे थे, आई थिंक ज़्यादा भी होंगे, और गट्स देखो उनके के लाइव वीडियो क्रिएट करते हैं कि हम बहुत बड़े गुंडे हैं और एक स्लोगन लगाते हैं कि गुज्जर नगर के अवाम को बाहर निकलो, गुज्जर नगर प्रकार के स्लोगन लगाए, हाँ हाँ कि बाहर निकलो हम तुम लोगों को काट के डालेंगे। लेकिन धन्य हो जे एंड के पुलिस का, दिल के गहराई से सल्यूट है। उसी दिन उन्होंने एक FIR लॉन्च की है जो मैंने पिछले कुछ पत्रकारों के सामने भी रखा है, FIR नंबर 4/2024। लेकिन आज बहुत ही अच्छा एक्शन हुआ है कि जो इसका मैन एक्यूज था आई थिंक शुभम गिल, उसको जो है वो अरेस्ट किया गया। मैं जे एंड के पुलिस को दिल की गहराई से प्रकार की स्लोगन लगाकर क्या साबित क्या करना चाहते थे, और देर रात कितने बजे का ये वाकया होगा? ये था 11:30 बजे का वाकया था, और शायद ये साबित करना चाहते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, बाकी बाहर से आए हुए हैं। जब गुज्जर नगर में इस टाइप का स्लोगन कोई लगाता है, इसका मतलब है कि मतलब वो यही समझ रहे हैं ना कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। वो भाई हिंदुस्तान हमारे रग रग में बसा है, हमारी जान हमारा तिरंगा है, मुसलमानों ने इसके लिए कुर्बानी भी दी है और देते भी आए हैं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का ये मकसद था कि हम पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर पुलिस को दिल की गहराई से सल्यूट करते हैं कि उन्होंने मेन एक्यूज़ जो इसमें इन्वॉल्व था उनको अरेस्ट किया है शुभम गिल के नाम पर। तो उसमें क्या है कि जब बड़ी मछली हाथ में आई, अब छोटी मछलियाँ भी हाथ में आई जाएगी। लेकिन हमारे कितने लोग इसमें तमाम कितने लोग मौजूद होंगे? इसमें 20-25 लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि रात का टाइम था, हमें अप्रॉक्सीमेटली आंकड़े तो नहीं बोल सकते कि कितना है। लेकिन एक बात है, हम आप लोगों के माध्यम से डिमांड चाहते हैं कि हमें जो भी इसमें इन्वॉल्व था PSA उनके ऊपर चाहिए। सर लाइव चल रहा था उस पर, जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं लाइव था, इंस्टाग्राम पे लाइव था और लाइव वो वीडियो चल रहा था, और कहीं ना कहीं जो आम जनता चल रही थी उन्हें भी परेशान किया जा रहा था वीडियो में ऐसा देखने को। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने शरेआम टोके तलवारें निकाली थी, जो स्कूटी वालों को पकड़ रहे थे, यहाँ के लोकल लोगों को पकड़ के डरा रहे थे क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा थे, कोई 20-25 अप्रॉक्सीमेटली इतने थे स्कूटी पे, और गाली गलौज कर रहे थे, गंदी गालियाँ कर रहे थे, और ये तक बोल रहे थे कि गुज्जर नगर वालों बाहर रहो, कश्मीरियों बाहर रहो। क्या गुज्जर नगर हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर है? बाहर आके मतलब क्या क्या करने वाले थे? बाहर आके क्यों माहौल को खराब करना चाहते थे? क्यों बुला रहे? हमारा भाईचारे को खराब करना चाह रहे थे, ये कोई प्री प्लान था इनका, ये प्री प्लान करके आए थे कि माहौल को हम किस तरीके से बिगाड़े, क्योंकि आपको पता है बड़ा सेंसिटिव एरिया हमारा गुज्जर नगर, बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसमें थोड़ा मतलब ये वायलेंस क्रिएट करना चाहते थे ताकि माहौल खराब हो जाए। जी तो फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, को अमृतसर से पकड़ के लाया है, हम पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और थैंकफुल बोलते हैं कि आपने इतनी जल्दी और इतनी अच्छी कामयाबी पाई। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा, जैसे PSA इनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, जैसे पत्थरबाजों को श्रीनगर में इनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, ऐसे ताकि ये मिसाल बन जाए, कोई आज के बाद कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए।
कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए दोबारा। तो हमें यही रिक्वेस्ट है पुलिस से, गवर्नमेंट से, कि इनको पी एस सी लगाए जाए। क्या कहेंगे सर आप, तरीके से लाइव चल रहा था, पूरा दिखाया गया वीडियो में, कितना नुकसान हुआ है, गाड़ियों का कोई नुकसान हुआ है? नुकसान की बात नहीं है मैम, ये 13 तारीख को शहर के कुछ गुंडों ने जो गुज्जर नगर के अंदर नंगा नाच खेला है, ये नुकसान की बात नहीं है। आज ये वो गुज्जर नगर नहीं है, आज यहाँ होटल्स हैं, टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, वो यहाँ से क्या मैसेज लेकर जाएंगे? कुछ वहाँ उस टाइम यात्री आए थे, टूरिस्ट थे, घूम रहे थे, जब 20-25 लड़कों ने तेज धार हथियार निकाले हों तो वो टूरिस्ट यहाँ से क्या मैसेज लेकर जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में आना चाहिए या नहीं? इन्हीं टूरिस्टों की वजह से हमारे दुकानदार, हमारे रेड़ी फड़ी वाले, इनका रोजगार चलता है। तो इन लोगों को समझ होनी चाहिए हमने करना क्या है। मैं तो इनको इंसान समझता नहीं हूँ। क्या गुज्जर नगर में क्या है ऐसा, मुझे बताइए। गुज्जर नगर के अंदर मेहरा बस्ती आती है, गुज्जर नगर के अंदर गोस्वामी बस्ती आती है, गुज्जर नगर के अंदर बाबे वाली गली आती है, गुज्जर नगर के अंदर शिवजी का मंदिर आता है, गुज्जर नगर के अंदर आकर 2-3 मंदिर आते हैं। हमारा सदियों का भाईचारा, हमारे बुजुर्गों का भाईचारा, इन चंद गुंडों की वजह से तो हम वो भाईचारा अपना खराब नहीं करेंगे। आज भी हमारे साथ ये हमारे हिंदू फ्रेंड खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हुए, इसी मोहल्ले के अंदर हैं। इनको भी अफसोस हुआ कि इस चीज़ का, हमारे बाहर से आकर जो ये लोग ये ऐसी हरकत कर रहे हैं किस लिए? एक आखिरी सवाल सर, जिसे गिरफ्तार किया गया उसके परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, कैसे फंसाया जा रहा है? ये तो कैसे फंसाया जा रहा है? लाइव वीडियो चल रही है और इनकी इतनी हिम्मत, इनकी इतनी हिम्मत, इंस्टाग्राम पर इन्होंने भी वीडियो चलाई, मीडिया में देखी ना, ये इसमें कौन से फंसाया जा रहा है, कैसे फंसाया जा रहा है? हम तो घरों में सोए थे रात को, हमने क्यों फंसाना था उनको? टोके तलवारें लेके शरेआम वो चल रहे हैं, वीडियो बनी है, पूरा लाइव चलाया उन्होंने इंस्टाग्राम पे, तो उसमें हम कैसे फंसा सकते हैं? गाली गलौज वो लोग कर रहे हैं, हम घर बैठे सोए हुए गाली गलौज उनका फंसा रहे थे। हम तो बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस का, जिन्होंने बड़ी अच्छी और बड़ी जल्दी ये कार्रवाई की, बाकी फैसला कानून करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आपने देखा एक व्यक्ति को फिलहाल जो है वो गिरफ्तार किया गया है और परिवार ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं फंसाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वारदात देर रात ये वारदात जो है वो पेश आई है, जहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बातचीत की और किस प्रकार से आम जनता को, यानी कि जो यहाँ के लोकल स्थानीय लोग हैं, उन्हें किस प्रकार से परेशानी हुई, क्या कुछ परेशानी हुई, साफ तौर पर आपने सुना। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शम्भी थापर के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।